मदर इंडिया इस नाम से एक किताब भी लिखी गई थी जिसका विरोध करने के लिए महबूब खान ने खुद ये फिल्म बनाई, जिस किताब में मदर इंडिया को गरीब बेबस दिखाया गया था उसका विरोध करने के स्वरूप के तौर पे इस फिल्म को बनाया महबूब खान ने और ये बताया कि मदर इंडिया मतलब मजबूत माँ जो अपने संस्कारों जो अपने मानकों जो अपने हर नियम कायदे मर्यादा में रहकर भी दुनिया में वो कर दिखाती है जो कोई नहीं कर सकता। माँ तो माँ होती है लेकिन भारतीय माँ के अपने ही वसूल होते हैं और उन असूलों पर इस फिल्म की माँ ने बहुत ही खरा सोना साबित किया खुद को। आइए सुनते हैं इस फिल्म की कहानी बायोस्कोप में। 1957 में तीसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से इसे नवाजा गया था, जबकि मुगले आजम, किस्मत और शोले को भी उन चुनिंदा फिल्मों में रखा गया है। आज भी लोग इसे देखना पसंद करते हैं, एक बार आप देखने लगें तो देखते ही चले जाते हैं। दो आदमी और ये सारी हिंदी फिल्में जो हैं वो सांस्कृतिक फिल्मों की श्रेणी में आती हैं। ये फिल्म भारत की ओर से पहली बार अकादमी पुरस्कारों के लिए भी भेजी गई थी। फिल्म की शुरुआत होती है वर्तमान काल में गांव के लिए पानी की नहर से पूरा होने की। राधा जिसका किरदार नरगिस ने निभाया गांव की माँ के रूप में दिखाई जाती हैं, नहर का उद्घाटन करती हैं और अपने भूतकाल पर नज़र डालती है। जब वो एक नई नवेली दुल्हन थी कितने सादगी से धूमधाम से उसे उसके पति श्यामू ब्याह कर लाए थे इस गांव में। राधा और श्यामू की शादी का खर्च जो था वो उसकी सास ने कर्ज लेकर किया था लाला से, ऐसा ही होता आता था पहले। राधा की सास ने सुखीलाल से उधार लिया था, इसके कारण गरीबी और मेहनत के कभी न खत्म होने वाले चक्रव्यूह में राधा फंस जाती है। उधार की शर्तें और विवादास्पद होती हैं, परंतु गांव के सरपंच सुखीलाला के हित में फैसला सुनाया जाता है जिसके तहत श्यामू और राधा को अपने फसल का एक तिहाई हिस्सा सुखीलाला को देना होता है, यानी कि रुपए 500 के ब्याज के तौर पे। सुन लो काका, ये मुझे जेल कराएगा। अरे सामू, अगर पुलिस लाके सारी जमीन पे कब्जा नहीं लिया तो ये मूछ नहीं समझना, मूछ। नहीं नहीं, हमारे गांव में कभी पुलिस नहीं आएगी, यहीं निकाल करो। तुम क्या बोलते हो काका? हमारे गांव में पुलिस कभी नहीं आएगी। है तो तुम ही फैसला करो। बोलो पंचो, तुम्हारी क्या राय है? लिखा है तो देना ही पड़ेगा। काका, एक करा जाओ, लगे हाथ सामू का भी अंगूठा इस पर लगवा दो, नहीं तो काका ये बुढ़िया का क्या भरोसा। रिपीट। गरीबी को मिटाने के लिए शामू अपनी जमीन की और जुताई करने की कोशिश करता है, परंतु एक पत्थर के नीचे उसके दोनों हाथ कुचल जाते हैं। अपनी मजबूरी से शर्मिंदा और औरों द्वारा बेइज्जती के कारण वो फैसला करता है कि वो अपने परिवार के किसी काम का नहीं रह गया है, वो उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा ताकि कम से कम उसका बोझ तो कम हो, एक पेट तो कम हो जाए। जल्द ही राधा की सास भी इसी गम में गुजर जाती है। राधा अपने दोनों बेटों के साथ खेतों में काम करना जारी रखती है और तभी एक बार फिर से शामों के जाने के बाद उसका एक और पुत्र आता है इस दुनिया में। सुखी लाला उसे अपनी गरीबी दूर करने के लिए खुद से शादी करने का प्रस्ताव रखता है, पर राधा खुद को बेचने से इनकार कर देती है। एक तूफान गांव को अपनी चपेट में ले लेता है और सारी फसल नष्ट हो जाती है। उस तूफान के खत्म होने पर बाढ़ पूरे गांव को अपने में समेट लेता है, सारी फसल, सारे घर, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसी तूफान में राधा का छोटा बेटा मारा जाता है। सारा गांव पलायन करने लगता है, गांव छोड़कर जाने लगता है, क्योंकि जमीन जो है वो अब एक या दो फसल तो कुछ भी नहीं उपजा सकती।
परंतु राधा के मनाने पर सभी रुक जाते हैं। राधा कहती है, अपनी मिट्टी को हम छोड़कर कहाँ जाएंगे? जहाँ जाएंगे वहाँ कौन हमें स्वीकार करेगा? क्या करेंगे हम अपना पेट पालने के लिए? मेहनत करनी है तो इसी ज़मीन में करेंगे। और ये सुनकर गांव वाले उसकी बात से सहमत होते हैं और फिर वो रुक जाते हैं। वापस गांव को सजाते हैं, संवारते हैं और स्थापित करने की कोशिश करते हैं। फिल्म कई साल आगे पहुंचती है जब राधा के दोनों बच्चे, जो कि बच गए थे उस तूफान में, बिरजू और रामू। बिरजू का रोल निभाया सुनील दत्त ने और रामू का राजेंद्र कुमार ने। वो अब बड़े हो चुके हैं। बिरजू अपने बचपन में सुखी लाला के बर्ताव का प्रतिशोध करता था और हमेशा बदला लेने के लिए गांव की लड़कियों को छेड़ता भी था। बचपन की बात और थी, अब वो बड़ा हो चुका है। खासकर सुखी लाला की बेटी को अब वो रह रह कर छेड़ता है। इसके विपरीत रामू बेहद शांत स्वभाव का है और जल्दी ही शादी कर लेता है। हालांकि अब वह एक पिता भी है, पर उसकी पत्नी जल्दी ही परिवार में मौजूद गरीबी का शिकार हो जाती है। बिरजू का गुस्सा आखिरकार खतरनाक रूप ले लेता है और उकसाने पर सुखी लाला और उसकी बेटी पर हमला कर देता है। माँ उसे बहुत समझाती है, बहुत मनाती है, मगर जब न्याय की बात आती है तो वो भी सरपंच से सहमत होती है। और उसे गांव से निकाल दिया जाता है। इस विरोध में वो डाकुओं से मिल जाता है और डाकू बनकर वापस आता है। संभाल कर रखे बेटा, तू कहीं जाना नहीं है, मैं चाबी लेके अभी आता हूँ। सुखी लाला की बेटी की शादी के दिन वो बदला लेने के लिए आता है और सुखी लाला को मारकर उसकी बेटी को भगा ले जाने की कोशिश करता है। वो भाग ही रहा होता है, लगभग वो भाग चुका होता है। राधा, उसकी माँ, जिसने वादा किया था सुखी लाला से कि वो बिरजू से उसकी बेटी की रक्षा करेगी, बिरजू उसकी बेटी को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, वो अपने वादे पे खरी उतरती है। उसने बिरजू को बहुत मना किया, मत जा, मगर वो नहीं माना। और तब वो बंदूक उठाती है और बिरजू को गोली मार देती है, उस बेटे को गोली मार देती है जिसको उसने बहुत नाजों से पाला था, बहुत कष्ट से पाला था, जब उन बच्चों के पिता उसे छोड़कर अकेला मझधार में चले गए थे, तब उसने पाला था। उसकी बाहों में उसका वो बिरजू दम तोड़ देता है। फिर वर्तमान काल में फिल्म वापस आती है। राधा द्वारा नहर खोले जाने पर लाल रंग के बहते हुए पानी से समाप्त होती है। राधा के मन में एक माँ की कसक आज भी है कि उसके बेटे को उसने खुद गोली मार दी। लेकिन जब न्याय की बात होती है तो मदर इंडिया यही करती है और महबूब खान ने अपनी फिल्म में यही दर्शाया। आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी? अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि अगली कहानी जब लेकर आऊँ तो आपको खबर हो जाए। साथ ही साथ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप अगली फिल्म कौन सी चाहते हैं हमारे कार्यक्रम फिल्मी बायोस्कोप में। धन्यवाद।